नमस्कार आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी आज से पंचायत चुनाव 2021 की दूसरे चरण की अधिसूचना बीते दिन जारी होने के बाद आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है चौंतीस जिलों में चौंतीस जिलों के 48 प्रखंडों में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है दूसरे चरण के चुनाव की सूचना का प्रकाशन के बाद यह कार्यक्रम शुरू तेरह सितंबर तेरह सितंबर तक चलेगा दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया उनतीस सितंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे यानी कि दूसरे चरण का वोटिंग जो है वह 29 सितंबर का होगा जैसा मैंने पहले बता चुका हूं कि पहले चरण का नामांकन के बाद अब दूसरे चरण का नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है हुई है और प्रथम चरण का मतदान 24 सितंबर का होगा और दूसरे सितंबर दूसरे चरण के चुनाव का मतदान 29 सितंबर को होंगे अंतराल 25, 26, 27, 28, 29 पाँच दिनों की अंतराल है और पाँच दिनों में दूसरे चरण का चुनाव की तिथि भी है अब क्या क्या प्रक्रिया है जैसा कि हमने पहले ही बता चुका हूँ कि नामांकन के लिए आठ तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत यानी कि दस्तावेजों की ज़रूरत होती है किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत है आप अगले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा जो पहले ही हम बनाकर चैनल पर डाल चुके हैं आपके लिए कि कौन कौन आठ तरह के दस्तावेज लगेंगे आपको बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव काफ़ी डिजिटल ढंग से हो रहा है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भी होगी लाइव टेलीकास्ट भी कराया जाएगा वाईफाई की व्यवस्था होगी और यहाँ पर ई और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे छह पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं जिसमें चार पदों की चुनाव ई मशीन से होगी और दो पदों की चुनाव बैलेट पेपर से होगा और इधर फर्जी मतदान को रोकने के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल तैयार है इधर बायोमेट्रिक मशीन पर में लगाया जाएगा और उससे फर्जी मतदान को भी रोकने का कार्य किया जाएगा आखिर किन किन जिलों में आज नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है तमाम चीज़ों को बनाए बताएंगे आप मेरे साथ बने रहें देखिए हमारी खास विशेष रिपोर्ट आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर चौंतीस जिलों के अड़तालीस प्रखंडों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज यानी मंगलवार से शुरू होगी राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया तेरह सितंबर तक चलेगी नामांकन पत्रों की जांच सोलह सितंबर तक नामांकन वापस की अंतिम तिथि अठारह सितंबर तक और उसी दिन प्रतीकों का आवंटन भी कर दिया जाएगा इधर दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत उनतीस सितंबर को मतदान यानी वोटिंग कराया जाएगा उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी संबंधित जिलों में सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है बीते दिन इधर आपको बता दें कि दूसरे चरण में विभिन्न जिलों के किन किन प्रखंडों में चुनाव होंगे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में पटना के पालीगंज प्रखंड में चुनाव होगा पटना के पालीगंज प्रखंड में चुनाव होगा वहीं बक्सर के राजपुर रोहतास के रोहतास व नौहट्टा नालंदा के थरथरी व गिरिया कैमूर के दुर्गावती भोजपुर के पीरो गया के टिकारी व गुरारू नवादा के कोवाकोल, औरंगाबाद के नवीनगर जहानाबाद के घोसी अरवल के अरवल सारण के मांझी सिवान के सिवान सदर गोपालगंज के विजयपुर वैशाली के हाजीपुर मुजफ्फरपुर के मड़वन सरया पूर्वी चंपारण के मधुबन फिनहारा तेतरिया पश्चिमी चंपारण के चनपटिया सीतामढ़ी के चोरौत व नानपुर दरभंगा के बेनीपुर व अलीनगर, मधुबनी के पंडौर व रहिका, समस्तीपुर में ताजपुर पूसा समस्तीपुर सुपौल के प्रतापगंज सहरसा के कहरा मधेपुरा के मधेपुरा पूर्णिया के बनमनखी मक, बन कटिहार के कुरसेला कटिहार के हसनगंज डंड डखोरा अररिया के भर भरगामा बेगूसराय के भगवानपुर खगड़िया के खगड़िया के जिला प्राबंधित क्षेत्र से, संख्या सत्रह एवं अठारह मुंगेर के टेटिया बंबर, बम्बर जमुई के ई अलीगंज भागलपुर के जगदीशपुर तथा बाका के बाका प्रखंड में चुनाव होना निर्धारित किया गया है यानी कि दूसरे चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया है आज से शुरुआत हो जाएगी चौंतीस जिलों के अड़तालीस प्रखंडों में दूसरे चरण का नामांकन प्रारंभ हुआ है यानी कि दूसरे चरण में 48 प्रखंडों में चुनाव होगा आपको 29 सितंबर को मतदान डाले जाएंगे प्रथम चरण 24 सितंबर, दूसरा चरण 29 सितंबर को वोटिंग पड़ेगा बिल्कुल इस समय वोटिंग की प्रक्रिया बिल्कुल अलग ढंग से कराया जाना है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके लिए खास संदेश लेकर खास संवाद लेकर तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दीजिए ही धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम